दोस्तों आज हम बात करेंगे कश्मीर के एक बहुत ही फेमस ऑफ बीट डेस्टिनेशन। नॉर्थ कश्मीर में ये आता है, श्रीनगर से अराउंड 160 किलोमीटर है। दोस्तों सबसे पहले श्रीनगर से आप बांदीपुरा जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में। बांदीपुरा से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है, तो टोटल जो जर्नी है अराउंड 160 किलोमीटर्स होते हैं। गूगल में आप देखोगे तो कहीं 140 दिखाएगा, कहीं 130 दिखाएगा, बट जो मेन एरिया है जहाँ होटल्स है, जहाँ कैंपिंग होती है, होटल्स तो बहुत ही गिने चुने हैं यहाँ पे, वो एरिया जो है दोस्तों 160 किलोमीटर्स पड़ जाता है। जो हम मेन एरिया की बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं दवार टाउन गुरेज वैली। तो हमारे श्रीनगर से अराउंड 160 किलोमीटर ये हो ही जाता है दोस्तों। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये बांदीपुरा से है, जहाँ से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होगी। जैसा आपको बताया, सबसे पहले आप श्रीनगर से बांदीपुरा आओगे, फिर यहाँ से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं राजदान पास जिसे आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आएगा द्वार। तो राजदान पास अराउंड 40 किलोमीटर्स है और द्वार भी आप अराउंड 85-86 किलोमीटर्स लेके चल सकते हैं, क्योंकि 83 जो ये दिया है ये है एंट्री पॉइंट है द्वार का। लेकिन जो मेन, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि मेन टाउन एरिया है, वो आपको 85-86 हो ही जाएगा दोस्तों। तो बांदीपुरा से राजदान पास, फिर आएगा द्वार जो कि मेन टाउन है गुरेज वैली का, उसके बाद आता है तुलैल। तुलैल दूसरी विलेज है। तुलैल से भी अगर आप आगे जाओगे तो चकवाली आएगा दोस्तों, 139 किलोमीटर्स बांदीपुरा से ये है। आपको बता दे दोस्तों, चकवाली इज द लास्ट पॉइंट विच इज एक्सेसिबल टू द टूरिस्ट। उसके बाद जो है टूरिस्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि चकवाली जो है दोस्तों पीओ के रीजन को टच करता है, इसलिए सिर्फ लोकल लोगों को ही मूवमेंट वहाँ पे अलाउड है, टूरिस्ट को यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है। तो द्वार तुलैल ऑलरेडी काफी डिस्टेंस पे है, काफी दूर है श्रीनगर से। अगर आप फैमिली साथ आ रहे हैं तो चकवाली अवॉइड करें, तुलैल तक फाइन है। हालांकि जो रोड्स है दोस्तों वो द्वार तक ही अच्छे हैं, द्वार के बाद जो रोड्स है काफी खराब है तुलैल तक, इसलिए तुलैल के बाद आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन बांदीपुरा से जो आपकी जर्नी होगी उसके पिक्स देखेंगे। वीडियो के एंड में क्या कैब चार्जेस होंगे श्रीनगर से वो हम बात करेंगे दोस्तों, साथ ही होटल बुकिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बांदीपुरा से जब आपकी जर्नी प्रोग्रेस करेगी तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने हाल ही में गुरेज विजिट किया था, क्योंकि हमारा इरादा था कि अक्टूबर में जब ये क्लोज हो जाएगा स्नोफॉल के बाद, तो उससे पहले जो है हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स यहाँ के जो व्यूज़ है उसको देख लें। अक्टूबर तक आप यहाँ आ सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्नोफॉल का जो इफेक्ट है सबसे पहले यहाँ होता है। सारे रोड्स जो है राजदान पास के बाद जो है ब्लॉक हो जाते हैं। और ये आपके सामने नज़ारे राजदान पास के, बांदीपुरा से अराउंड 40 किलोमीटर्स। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आप रुक सकते हो, चाय कॉफी ले सकते हो, फिर आप आगे की जर्नी अपनी रेज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। राजदान पास क्रॉस करने के बाद जो है गेटवे टू द गुरेज हम बोलते हैं, किशनगंगा डैम आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ पर भी जो डैम है दोस्तों इस पे काइकिंग होती है, लोग यहाँ पे रुक कर काइकिंग भी करते हैं, अभी आगे फोटोज आप देखेंगे। तो यहाँ पे कि कुछ टाइम आप रुको, नज़ारों का जो है मज़ा लो, फिर आगे बढ़ जाओ। और ये जब आप राजदान पास क्रॉस कर रहे होंगे तो आप नज़ारा देख सकते हो। एक्सपीरियंस ड्राइवर यहाँ चाहिए, क्योंकि रोड्स इतने आसान नहीं है, यहाँ ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, डेंजरस भी है दोस्तों। तो आप सामने देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फॉग है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है, इसलिए विंटर्स में ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। साथ ही वेदर क्लियर होना चाहिए, रेनफॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है रोड्स ये और भी डेंजरस हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ड्राइवर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ जो है सेडान गाड़ियाँ नहीं चलती, इनोवा एसयूवीज ही यहाँ पे चलती है दोस्तों, क्योंकि रोड्स ऐसे हैं स्पेशली गुरेज के बाद कि आपको सेडान गाड़ियाँ जो है रिकमेंडेड नहीं है। वीडियोस के एंड में हम कैब रेट्स के बारे में बात करेंगे, होटल्स के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने कश्मीर पहले विजिट कर रखा है उनके लिए एक अच्छी आइडिया है, गुरेज प्लान आप कर सकते हैं। 3 डेज की यहाँ पे आइटनरी बनेगी जिसमें आप गुरेज तुलैल कवर करके वापस श्रीनगर आते हैं दोस्तों। जैसा आपको पहले बताया, अक्टूबर तक ही यहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अक्टूबर में जो है फर्स्ट स्नोफॉल हो जाती है। वैसे श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सर्विस भी है जो कि गुरेज तक चलती है, यहाँ पर भी गुरेज में एक हेलीपैड है,
बट ये सर्विस आपको बस विंटर में ही मिलती है, साथ ही ये काफ़ी कॉस्टली होती है दोस्तों। किशनगंगा के बाद इस तरह के व्यूज़ आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे। गेटवे टू द गुरेज बोलते हैं, आगे आप देख सकते हैं ये है फेमस हब्बा खातून पीक, जो कि गुरेज का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है दोस्तों और काफी पॉपुलर पीक है। हब्बा खातून एक लेजेंडरी है, उनके नाम पे इस पीक को जाना जाता है दोस्तों। अभी आप जैसे आगे प्रोग्रेस करोगे इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। हब्बा खातून पीक के आसपास जो एरिया है वेंटस में, कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पे रहता है दोस्तों। तो द्वार टाउन, उसके बाद हब्बा खातून आपकी गुरेज ट्रिप कंप्लीट कर देती है। विंटर्स के व्यूज आपके सामने हैं और ये जो साइट है ये भी द्वार में ही है। यहाँ पे कैंपिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे जो होटल्स हैं ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम फिलहाल नहीं है। जो भी होटल्स है सारे द्वार में ही आपको मिलते हैं, 4 स्टार एक भी होटल नहीं है यहाँ पे, उससे नीचे कुछ होटल्स आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन ये सारे होटल्स आपको लिस्टेड नहीं मिलेंगे, अगर आपको इन्हें बुक करना है तो आप हमारे टीम मेंबर रुफैज जी से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें भी रिमाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो गुरेज में आपने दबार टाउन एक्सप्लोर कर लिया, हब्बा खातून पीक एक्सप्लोर कर लिया, अब आप जा सकते हैं तुलैल। तुलैल का जो रास्ता है गुरेज से अराउंड 38 किलोमीटर है, बट रास्ता बहुत ही खराब मिलेगा आपको। तुलैल पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। रोड्स काफ़ी ख़राब हैं, डेंजरस भी हैं, बट काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही आइसोलेटेड जगह है। बहुत टूरिस्ट यहां पे आना भी पसंद कर रहे हैं। यहां पे स्टेज की फैसिलिटी नहीं है तो आप गुरेज से यहां विजिट करते हैं और सेम डे रिटर्न होते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे कुछ टूरिस्ट हैं गुजरात महाराष्ट्र से, उनको गुरेज एंड तुलैल ट्रिप के लिए गाइड किया गया था और उनको ये जगह बहुत ही पसंद आई। स्पेशली पहलगाम गुलमर्ग के मुकाबले बहुत ही अलग लगी, क्योंकि बाकी जगह जो है ट्रेडिशनल जो प्लेसेस है कश्मीर में, वहाँ क्राउड काफ़ी बढ़ रही है, पीक सीजन में बहुत ही ख़राब हालत हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे कश्मीर में। फाइनली जब आप तुलैल कवर कर लोगे तो आप चकवाली तक आगे जा सकते हैं। जो ब्लू माउंटेन आपको ये सामने दिख रही है, इसके बाद जो है POK स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आगे हम बात करेंगे जो श्रीनगर से गुरेज की आपकी आइटनरी बनेगी वो कैसी रहेगी। सबसे पहले कुछ हम बातें जान लेते हैं आपके सामने। पॉइंट नंबर 1, एंटरिंग गुरेज नीड परमिशन फ्रॉम आर्मी। हर 10 किलोमीटर में यहाँ आपको चेक पॉइंट मिलेगी, जहाँ पे आपको ID दिखाने होंगे, DL भी दिखाने होंगे, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। IDs ओरिजिनल में होने चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई भी ड्रोन और DSLR शूटिंग यहाँ अलाउड नहीं है। गुरेज आप एक दिन या दो दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि 160 किलोमीटर है। फर्स्ट डे आप यहाँ पहुँचोगे, सेटल होगे, सेकेंड दिन ही आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, सेकेंड दिन आपको तुलैल भी जाना होगा, थर्ड डे आप वहाँ से रिटर्न करेंगे दोस्तों। जैसा हमने आपको पहले बताया, छोटी गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलती, इनोवा चाहिए। 3 डेज की जो आपकी आइटनरी है श्रीनगर से गुरेज, नेक्स्ट डे गुरेज टू तुलैल एंड बैक, थर्ड डे बैक टू श्रीनगर फ्रॉम गुरेज। अगर मौसम खराब हो जाता है तो 3 डेज की जगह 4 डेज भी आपको लग सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइवर जो है एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए दोस्तों। जनरली उन ड्राइवर्स को ही असाइन किया जाता है जो कि यहाँ पे पहले आ चुके हैं, यहाँ पे चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत से होस्ट ड्राइवर है श्रीनगर में जिनको आइडिया नहीं है गुरेज के बारे में। टूरिस्ट के सामने ड्राइवर्स प्रिटेंड भी करते हैं जैसे कि वो यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इन सब बातों को इंश्योर कर ले, उसके बाद ही आप बुकिंग्स कराएं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।